Today's topic which we are focusing on is vitiligo. Vitiligo सफेद दाग एक कॉमन नाम है और एक बहुत कॉमन बीमारी है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये क्यों हो गया, किस वजह से हो गया और कैसे इसका इलाज करा सकते हैं। तो विटलिगो के होने के जो कारण है उसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून मतलब आपकी जो डिफेंस की कोशिकाएं हैं, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं, डिफेंस सेल्स बोलते हैं, वो आपकी बॉडी में अंदर अपने आप किसी कारणों से एक्टिवेट होकर बीमारियाँ पैदा करती है। और यहाँ पे जो डिफेंस सेल्स हैं जिसको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, वो आपकी पिगमेंटेड सेल्स जिनको मेलेनोसाइट्स बोलते हैं उनके ऊपर जाके अटैक करती हैं और अंदर से अटैक होने की वजह से बिना कोई दर्द खुजली दाने बने हुए हमारी स्किन का एक हिस्सा उसका रंग चला जाता है, इसलिए इसको दाग बोलते हैं। दाग मतलब जिसको हम हाथ से महसूस नहीं कर सकते और रंग चला गया वहाँ से। कुछ और थ्योरीज भी होती हैं जिसके अंदर एक न्यूरोलम थ्योरी होती है जो स्पेशली सेगमेंटल मतलब एक तरफ होने वाले सफ़ेद दाग में देखी जाती है, जिसमें एक ही तरफ सफ़ेद दाग बनता है। कुछ जेनेटिक रोल, कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, बट अल्टीमेटली ये बीमारी मल्टीपल कारणों से इंटरनल फैक्टर से स्टार्ट होती है जिसको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार जब हो जाता है तो इसका एक वेरिएबल प्रोग्रेशन होता है जिसका किसी के तो एक से दो सफ़ेद धब्बे होने के बाद वो रुक जाते हैं और आगे नहीं होते हैं। काफ़ी लोगों के धीरे करके प्रोग्रेशन इनका होता जाता है और बॉडी पे काफ़ी हिस्सों में फैल जाते हैं। प्रॉब्लम इनसे जो आती है वो एक कॉस्मेटिक, सामाजिक, सोशल एक एविल तरह से देखा जाता है और लोग परेशान इसी वजह से होते हैं कि लिटरली कि हमारे दिखने में हम कैसे लगेंगे, बच्चे की शादी कैसी होगी, बच्चे की शादी कैसे होगी। तो बेसिकली एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट ऑफ सोशल एविल तरह देखा जाता है और इस वजह से हम ज़्यादा परेशान होते हैं। इससे एज सच एक पर्सन की लाइफ में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके एक रूटीन, फिजिकल एक्टिविटी में या उसके पढ़ने में या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत आती होगी। इसके लिए आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिसमें हम गोलियाँ या लोशन या थेरेपीज, लेजर्स, फुकुआ थेरेपी और कई चीज़ों से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं और सफ़ेद दागों और वापिस रंग दे पाते हैं। और आजकल इवन सर्जरीज की जा रही हैं जिसके द्वारा हम जो सफ़ेद दाग जिसका रंग बिल्कुल नहीं बन पाता दवाइयों के माध्यम से उसमें हम उस पर रंग दोबारा पैदा कर सकते हैं दूसरी जगह की कोशिकाओं को ट्रांसफर करके। To book an appointment with a cosmetologist or a dermatologist in your area, please visit www.skinandhairacademy.in.